जय माता दी, कैसे हैं आप सब लोग? और आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक हो रहा है। इस आदमी को देखिए, इसके हाथ होते हुए भी है ना, ये हाथ को अंदर छुपा के भीख मांगता है मैन मुरलीपुरा चौराहे पे। हमने इसको कई बार नोटिस किया है गाइस, पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं दुनिया में। मेहनत करना तो इनको आता ही नहीं है। और आज इस ब्लॉग में कुछ स्पेशल है, आप किरण से भी मिल लीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जय माता दी बोलते हुए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं इस आदमी का हाथ है, फिर भी ये भीख मांग रहा है। भाग गया। और देखो ये बोलते ही भाग जाता है। अब पता नहीं, सबको सब चीज का पता होते हुए भी यहाँ पे करप्शन चल रहा है। इसका तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, आम जनता तो बिल्कुल नहीं कर सकती। और इस ब्लॉक में कुछ स्पेशल है गाइस, ये आदमी तो फिर भी देखिए मेहनत करके इसको जो पैसा सामने वाला देगा वो ले लेगा, अगर नहीं देगा तो भी चलेगा। आज हम आपको कुछ स्पेशल दिखाने वाले हैं। ये मैन मुरलीपुरा का मैन चौराया है, सीकर रोड। इसको सीकर रोड बोलते हैं। और आज मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ इस ब्लॉक के अंदर। अंदर जाके मैं नहीं दिखाऊंगी, किसी दिन और दिन दिखाऊंगी। और आज मैं आपको बाहर से दिखाऊंगी विकास जैक्शन जी कहाँ रहते हैं। फेमस यूट्यूबर विकास जैक्शन जी कहाँ रहते हैं, आज हम इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं आपको। हम उनसे मिल चुके हैं। हेलो गाइस, मैंने जो प्रेरणा ब्लॉगिंग करने के लिए मैंने दो लोगों से ली है, एक तो संभावना सेठ जी मैडम है, उनके वो ब्लॉगिंग करती है, उनकी ब्लॉगिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। और एक विकास जैक्शन जिनको मैंने प्रैक्टिकल देखा है, त्रिपाल के मकान में रहते हुए किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं वो रह रहे हैं। और देख रहे कुछ भी नहीं हुआ, आप देख सकते हैं हम टर्न हो चुके हैं सीकर रोड की साइड। और ये आप देख सकते हैं बालाजी टावर, इसमें से वो कई बार शॉपिंग करते हुए नजर आते हैं। सनमून जिनको बोलते हैं, इस मॉल में से वो कई बार शॉपिंग करते हुए नजर आते हैं गाइस ब्लॉक के अंदर से। आप देख सकते हैं अभी कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले जो उन्होंने ब्लॉग के अंदर एक लड़की को ड्रेस दिलवाई थी, वो यहीं से दिलवाई थी गाइस। और अलका सिनेमा यहाँ पे आता है, अलका सिनेमा पे भी वो कई बार देखे जा चुके हैं अपनी ब्लॉगिंग के अंदर। और अलका सिनेमा के सामने ही जो रोड विद्याधर नगर के लिए जा रही है वहीं पे उनके घर बने हुए हैं। और उनके घर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गाइस, एक महल होता है ना उससे तो बहुत बेटर घर लगता है मेरे को उनका। और मेरे को ऐसे घर बहुत अच्छे लगते हैं गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि एक दो दिन में रह के देखूँ कैसे रहा जाता है ऐसे घरों के अंदर। आप समझ ही सकते हैं कितना स्ट्रगल करके वो रह रहे हैं। और इधर आज हस्बैंड दिखा रहे हैं आपको, इधर की साइड ही उनका घर है, ये देख सकते हैं आप। इधर नहीं है, आगे जा देखिए उनकी फैमिलीज रह रही है गाइस। मैंने उनसे परमिशन नहीं ली है, सॉरी विकास जैक्शन जी। और ये देखिए आप देख सकते हैं विकास जैक्शन जी यहीं कहीं पे मिल जाएंगे। ये देखिए आप बैठे हुए दिख रहे हैं, और ये उनकी फैमिलीज है, और ये वाला उनका घर है गाइस। मैं आज आपको बाहर से ही दिखाऊंगी क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, किसी दिन टाइम निकाल के मैं उनको ब्लॉक में भी लूँगी, उनसे मिलेंगे, अच्छी मीटिंग्स करेंगे। और गाड़ी आ रही है गाइस, गाड़ी बिड़ती बच गई हमारी, पता नहीं लोग बाग कैसे गाड़ियाँ चलाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वो रील्स वगैरह बनाते हैं, तो इनसे ही मुझे मोटिवेशन अच्छा सा मिला है कि इंसान अगर चाहे ना तो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है गाइस।
जब मैंने प्रैक्टिकल में इनको देखा कि जब ये इंसान इतना सब कुछ कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं, तो अपन क्यों नहीं कर सकते हैं, मुझे विश्वास हो गया कि ऐसा बहुत कुछ होता है यूट्यूब के ऊपर। तो मैंने भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चालू किया। अब मुझे अभी टूटी फूटी ब्लॉगिंग करना आता है गाइस, तो आप इग्नोर कर देना। और आज मैंने आपको दिखा दिया है विकास जैक्सन जी कहाँ पे रहते हैं, उनका मकान कहाँ है। वो वापस अपनी पुरानी जगह पे आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने मम्मी पापा को, अपनी फैमिली को अच्छे घर में रखा हुआ है, पर वो ब्लॉगिंग के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। और किरण आपसे कुछ कहना चाहती है। दोस्तों, कल मैंने क्या लिया था आप गेस करिए। वो आप रील्स पे देख लेना गाइस, इसने कल ली है पतंग और चरखी। और दोस्तों, मैं उनको उड़ा भी रही हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जब आप प्रैक्टिकल में, मतलब जब आप प्रैक्टिकल में कुछ देखते हैं, लाइव देखते हैं किसी चीज़ को और सक्सेस होते हुए देखते हैं, तो आप में मतलब बहुत अच्छा, मतलब पॉजिटिविटी आती है, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है और कुछ कर गुजरने की ताकत आपके अंदर आती है। भगवान तो ताकत देता ही है, आप में भी ताकत आती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी रील्स बनाते हैं विकास जी। हेलो विकास जी, आई एम वेरी रियली सॉरी, मैंने बिना परमिशन के ये सब कुछ इस ब्लॉग में दिखा दिया है आपके बिना परमिशन के लिए, उसके लिए दिल से सॉरी। और इस ब्लॉग को ज़्यादा नहीं बड़ा करते हुए, मुझे आपके ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं और मैडम जी के भी ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, और उनसे ही प्रेरणा लेके मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो आज का ये स्मॉल ब्लॉग जो मैंने बनाया है बिना परमिशन के बनाया, उसके लिए सॉरी। और किरण से भी बाय बाय दोस्तों। इस ब्लॉग का हम एंड करते हुए नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलेंगे। और जो नए दोस्त हमसे जुड़ रहे हैं, प्लीज़ हमारे ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और अगर और भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय माता दी दोस्तों।